आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक दफ़ा फिर ठन गई है और मामला रेंजर्स के इख्तियारात का है। रेंजर्स को इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में नहीं देना चाहती। चौधरी निसार साहब चाहते हैं कि वो पूरे सिंध में एक्सटेंड करें और बार बार रखना भी ना डालें, चुप चुपीते ये इख्तियारात में तौसी कर दिया करेंगे। इसीलिए शायद पीपल्स पार्टी कह रही है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वॉइसराय का किरदार अदा कर रहे हैं और वॉइसराय बनने की कोशिश ना करें। जब सूबे इकाई में और वफाक के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो मसला जो है अहम नौयत जो है वो इख्तियार कर जाता है। मामला क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है, सियासी पोजीशन तो हमें नज़र आ रही है लेकिन कानूनी पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सिंध से कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध अखुंदजादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल वसीम साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या वजह है, आपको क्या ऑब्जेक्शंस क्या हैं? सिंध का दायरा कार नहीं है कि वो अपने सूबे के अंदर मुनासिब समझें लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, किस तरह उन्होंने डील करना है उस तरह डील करें, लोगों ने उनको वोट दिए। देखिए, लोगों ने उनको भी वोट दिए हैं, हमें भी वोट दिए हैं, मगर हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो है एक फेडरल लेवल पर बनती है कि मुल्क के अंदर अमन हो, और मुल्क के अंदर अमन के लिए फेडरल गवर्नमेंट, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों पीपल्स पार्टी के साथ ही 8 साल से जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ है, 5 साल फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ ही, 15 लाशें रोज़ाना उठती थी कराची में मगर किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं होता था। सितंबर 2013 में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत संभालने के बाद 3 महीने के बाद वहाँ पर आए हैं, आने के बाद उन्होंने कराची को जिस तरीके से सीरियस लिया और एक ज्वाइंटली डिसीशन लिया कि भाई अवाम ये चाहती है और ये कराची को इस तरीके से हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब जब भी वो आए हैं तो उन्होंने यही बताया है कि कराची और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कराची कैपिटल है प्रोविंस सिंध का और एक इकोनॉमिकल हब जरूर है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी उसके असरात पड़ते हैं अगर उसके उधर उस शहर को डिस्टर्ब किया जाता है तो, मगर साथ में जो है कैपिटल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध का, तो उनका और ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। मगर अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो हम तो अपना इंटरेस्ट खत्म नहीं कर सकते। तो क्या जब भी रेंजर्स आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, जब भी रेंजर्स के इख्तियारात की बात आती है तो कभी भी टाइम पे नहीं होता। लास्ट टाइम भी देखो 1 महीना डिले हुआ, अभी फिर 13 दिन डिले हुआ, लेकिन हो गया ना, 13 दिन के बाद इश्यू हुआ, वो भी जब बार बार कहा जाता है भाई कराची कोई बॉर्डर तो एरिया नहीं है, कराची के अंदर जो लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं एंटी रसिंध से अगर आ रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कराची के अंदर या एंटी रसिंध के अंदर ये ऑपरेशन पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे सरपरस्ती हो रही है, वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होना, जिसकी वजह से ये पहले भी 5 साल जो है फेडरल गवर्नमेंट इनके तमाम तकरीबन रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं सिंध में जिनकी सियासत चल रही है, जिनकी हुकूमत है, जो अपोजिशन में है, जो कराची में बहुत तकड़े, सब बैठे हुए हैं। बताएं ना कौन सी सियासी पार्टी की आप बात कर रहे हैं? देखें आप, नहीं अब तो पहले तो थी पर्दे के पीछे, अब तो क्लियर कट सारी चीजें आ गई हैं कि लियारी गैंग में क्या हुआ और शहर के अंदर कैसे हड़तालें होती थी, क्या होता था, ये सारी चीजें अब डिस्क्लोज हो चुकी है, इन चीजों में नहीं पड़ती। अब बात यह है कि जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अच्छी खुशी की बात है मुराद अली शाह साहब अगर नए एनर्जेटिक बंदे आए, आज मैंने, मुझे तो ये भी थोड़ा सा इलम हुआ है कि कराची के अंदर भी इन्होंने ये कहा है कि रेंजर्स को जो है वो 90 दिन के लिए जो तहवील में लेते थे वो अब नहीं ले, जो अभी ऑर्डर मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है मगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन इख्तियारात या तो कुल्ली तौर पर दिए जाते हैं, अब ये कंडीशनल नहीं हो सकता, ये इख्तियार हासिल होगा, ये इख्तियार हासिल नहीं होगा, उन्होंने ऑपरेट करना, कानून को काटा नहीं जा सकता ना। मैं एक चीज के ऊपर तो कंफर्म है कि भाई कराची के लिए दिए, पूरे सिंध के लिए नहीं दिए, जो रेंजर्स की भी डिमांड है, जो एजेंसी की भी। अच्छा, वो 90 दिनों वाली बात आपकी हो सकता है ठीक हो, क्योंकि वो पोपा के तहत है, एटीए के तहत नहीं है, 90 दिन की हरासत है। वो जो है उसके अंदर आप कह रहे हैं इख्तियारात भी कम दिए थे उनको, जो समरी आपको नाइन्टी डेज के, नहीं ये मेरी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि 90 डेज के लिए तहवील में रखना, क्योंकि ये 14 जून को मेरे ख्याल में ये इख्तियारात खत्म हो रहे थे, मगर अब 90 दिन के लिए अगर वो तहवील में रेंजर्स ले
तो वो 14 जून के बाद मैं जो समझता हूँ वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं। अच्छा ज्यादा अब चट्टान साहब बैठे हैं मैसेज चट्टान साहब से बिल्कुल बात करेंगे। मैं वसीम साहब से, वसीम साहब मिलिटेंसी के हवाले से भी बात कर दी इन्होंने, कहा कि जी बहुत मिलिटेंसी है और सियासी सरपरस्ती हासिल है, तो ऐसे में आपकी जमात जो है क्रैकडाउन भी सबसे ज्यादा आप पर हुआ है, आप क्या कहेंगे, निकाल दें रेंजेस को? देखिए सबसे पहले तो इस बात का अदा किया जाना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें MQM ने ख़ुद कराची में कहा कि जी फ़ौज आए, रेंजर्स आए और इख्तियार के साथ आए। फ़ौज आने का मतलब हमारा ये था कि इख्तियार के साथ आए और जो लाइबिलिटीज़ कराची में पल रही हैं, जिसमें तालिबान भी थे, उसमें दहशतगर्द भी थे, उसमें भत्ताखोर भी थे, सब थे, जिनसे वहाँ की हुकूमत नहीं लड़ पा रही थी, तो हमने ख़ुद इस बात का अदा किया और ऐवान में लेकर आए, यहाँ यूनानी मसली पास करके उसे वहाँ भेजा गया। अब उसके बाद वहाँ भेजने के बाद हमारा जो कंसर्न रहा या हमारी जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि आपको 90 दिन का इख्तियार है ना, आप 90 दिन के लिए उठा लें, क्रिमिनल है आप 90 दिन के लिए उसको शो तो कर दें, लेकिन ये इख्तियार कहाँ से आ गया, कौन से आइन से आ गया, किस अथॉरिटी से इख्तियार ले लिया कि आप 1.5 साल तक गायब किया हुआ आपने, कई कई साल तक जो है गायब हैं, कई कई महीने तक लोग गायब हैं। मेरा कंसर्न ये है कि वो क्रिमिनल है ना, उसको क्रिमिनल की तरह जो है वो आप ट्रीट करें, उसको जो है जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको जो है अदालत में पेश कर दे। ये कहाँ लिखा है कि मैं पहले उसे बंद करूँ, फिर जो है बंद करने के बाद अब मैंने अपनी जमात बना ली है उसमें जो है लाकर अब उन्हें जो है भर्ती किया जा रहा है, तो ये एक अलमिया नहीं है कि मतलब हम चीख रहे हैं आज खबरें गर्दिश कर रही हैं यहाँ कितने अफराद ने जो है वो यहाँ पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, यहाँ अदलिया के लिए जो है एक सवाल आ जाता है कि हमने पटिशन अदलिया में दी हुई है, वहाँ झूठ बोला जाकर के जी हमारे पास नहीं है, तो अब ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं, कुछ जमीन में बैठे थे या क्या था कि अब वहाँ जो है शामिल किया जा रहा है, ज्वाइन कर ली पीएस, कल तक वो सारे दहशतगर्द थे, आज वहाँ से निकाल के वहाँ दिया जा रहा है तो वो फरिश्ते हो गए। सर ये कोई क्या हो रहा है, वॉशिंग मशीन लगती है जो आप बात कर रहे हैं। मैं शाहिद सैयद साहब को पहले एंगेज कर लूं। शाहिद सैयद साहब, हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं कि हम बाज़ दफ़ा एक ही टॉपिक को पीट रहे होते हैं, लेकिन मामला बड़ा सेंसिटिव है। वफाक और सिंध जो हैं इस वक्त आपस में जो है ठन गई है उनकी इन इख्तियारात के ऊपर, और फिर अभी कह रहे हैं कि मिलिटेंसी वाला पहलू जो है सियासी सरपरस्ती है, सियासी सरपरस्ती है और सियासी फैसला है रेंजर्स को इख्तियारात को महदूद करने का। शाहिद सैयद साहब, सबसे पहले तो फैसल मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि कराची ऑपरेशन न रेंजर न फौज के डिमांड पर हुआ, ये 2011 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सोमोटो लिया, कराची में जब 18-20 लाशें रोजाना गिरती थी, जिस दिन 7-8-9 मरते थे तो सीएम की स्टेटमेंट चलता था कि आज दिन अच्छा गुजरा है, सिंगल फिगर में लोग मरे। इसी वजह से जब सोमोटो में चीफ जस्टिस ने लिया और उसने बताया कि कराची में जो मसले है उसमें 4 पॉइंट लिखवाए थे। नंबर एक था कि कराची में असले का डेरे डीवेपनाइजेशन, दूसरा ये कि पार्टियों में मिलिटेंट विंग है, तीसरा ये कि सियासी भर्तियाँ पुलिस में और दीगर इदारों में भी है उसको डिपोलिटिसाइज करें, और चौथा ये कि कराची में फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ज़रूरत है। जब इल्ज़ाम सियासी पार्टियों पर मिलिटेंट विंग का आया तो मैंने उस वक्त डिमांड किया कि अगर ऐसा है या तो मैं बोलूँ कि चीफ जस्टिस गलत कहता है तो भी कोड ऑफ कंडक्ट और बुराई है, मैंने बोला अगर बात ये है तो मेरे घर से मेरे पार्टी से शुरू करे और फौज कराची में ऑपरेशन करे। या हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस ही खराब कर दिया शाह हुसैन भाई, कभी यही डिमांड आया कि कराची में फौज ऑपरेशन करे, लेकिन बदकिस्मती से जिस हुकूमत का हम हिस्सा थे उस वक्त ये काम नहीं हुआ, और मौजूदा हुकूमत की यह अच्छी कारकर्दगी कि नवाज शरीफ ने सारी पार्टियों एतमाद में लेके वो ऑपरेशन जो हम नहीं कर सकते वो शुरू हुआ, सारी पार्टियों के मर्जी पे शुरू हुआ। अब वो जिसको पकड़ते हैं वो बोलता है कि मेरे खिलाफ हो रहा है। आपने कहा जब आप हुकूमत में थे तो ऑपरेशन नहीं हो रहा था, मियां साहब ने बहुत अच्छा काम किया, तमाम सियासी पार्टियों को बुला के उन्होंने ऑपरेशन शुरू करवा दिया, तो आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि आप लोग ऑपरेशन नहीं करवा सके उस वक्त, आपकी पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी रही है? मैं बजाते खुद शाहिद सईद ये फील कर रहा है कि ये हमसे गलती हुई, हमें मफामत नहीं, और मैं उस वक्त भी चीखा, लेकिन चूंकि हमारी कुव्वत या ताकत इतनी नहीं थी, हमने बोला है कि भाई मेरे घर से शुरू करें कि जब इंसान मर रहे, मैं अभी भी कहता हूँ मफामत और मसलहत किया जाए, वो पोस्टिंग ट्रांसफर पे तो करे लेकिन इंसानी जानों पे ना करे। यहाँ पे अर जुबान के लोग मरे, उर्दू वाले मरे, पश्तो मरे, पंजाबी मरा, शिया मरा, सुनी मरा, कौन नहीं मरा मुझे एक बताए, कोई एक पार्टी बताए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वाले ने उठाया, ठीक है, उसकी वजह है कि अफाक के लोग भी उर्दू बोलने वाले हैं, उसकी बात है कि सुनी तहरीक भी उर्दू बोलने वाले हैं, MQM भी उर्दू बोलने वाले हैं,
तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी के बहुत सारे लोग मरे, एएनपी का तो बेतहाशा लोग बेगुना लोग यहाँ मारे गए, यहाँ 12 मई को किया हुआ, 12 रबी को किया हुआ, बॉर्डर मार्केट पे किया हुआ, वह कला जलाए गए, उसके बावजूद भी अगर हम ऑपरेशन नहीं कर सके तो ये हमारी गलती थी, हमें मानना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अब आप सपोर्ट कर रहे हैं। आज कराची वालों का डिमांड ये था कि ऑपरेशन करें, ये कराची खुश है। और सिंध वाले कराची से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, वो कहते हैं कि हमने परसूट में जाना होता है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची से मुराद सिंध, पूरा सिंध में लोग खुश हैं। आप फेवर कर रहे हैं कराची जो है ना, इस सिंध का दारुल और सिंध सिंधियों का है। शाहिद साहब मुझे लग रहा है कि ये मुफामत आपकी पीपल्स पार्टी से, या आपकी रफाकत लफ्ज कहना चाहिए पीपल्स पार्टी से, वो अब कुछ उसका असर जायल होता जा रहा है। नहीं लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हुआ हो जो हमारी मर्जी पे न हो तो हम सिर्फ अपॉइंट आउट करेंगे कि अगर हमारा बस चलता तो हम उस वक्त ऑपरेशन करते, हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन हमारी खुशी का किसी ने ख्याल नहीं रखा और 5 साल तक लोग मरते रहे। हमारे यहाँ पे कुछ 100-150 तो हमारे लोग तालिबान ने मारे और तालिबान ने ओन भी कर दिया हमारी अपनी, और हम देखते रहे भाई। ब्रीफली बताइएगा कि ये आप उस वक्त डिमांड करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि भाई खुदा का खौफ करो, ऑपरेशन करवा दो, हमारे इतने लोग मर गए, ये तालिबान ने कर दिया, ये फलां पार्टी ने कर दिया, ये फलां गैंग ने कर दिया। जी हमने तो फौज का भी डिमांड क्यों किया, ये तो हमारी हुकूमत ही 2011-12 में हमने डिमांड किया कि फौज ऑपरेशन करे, तो उस वक्त की बात है। अच्छा आपने उस वक्त डिमांड उन्होंने की, मगर उनकी फौज हमने कम में, उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट में रहे, वो गलती मान रहे हैं कि वो गवर्नमेंट में हम नहीं। आप शाही सैयद साहब ने जो गलती मान दी थी वो मान ली है आप उसको, आपने ब्रेक पे तो नहीं जाना है, ब्रेक पे जाने तो आप ब्रेक मैं पे समझता हूँ। चट्टान साहब को भी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, सर सवाल ले लीजिए, क्यों आप खाइफ हैं रेंजर्स से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहली बात तो ये कि ऑपरेशन का रेंजर का कोई मुखालिफ नहीं है, ना हम मुखालफत करते, ना एनपी ने कभी मुखालफत किया है, ना मुतहदा ने कभी ऑपरेशन का मुखालफत किया है। ऑपरेशन हमने शुरू किया था पूरे मुल्क के अंदर, ऑपरेशन के हमायत में हम भी थे, MQM भी था, ANP भी था, अगर कोई मुखालिफ थे तो वो नवाज शरीफ साहब था, जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब था, जो दहशतगर्दों को अपने नाराज़ भाई समझते थे आखिरी दिन तक, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकया से पहले। इन लोगों की कोशिश ये थी कि नहीं ये तो ऐसे लोग नहीं, ये तो नाराज़ है और ये हम अमेरिका के एजेंडे पे कर रहे हैं और ये सारा उस वक्त से कराची में नहीं। मैं अर्ज करता हूँ अभी जो इख्तलाफ है वो रेंजर के साथ नहीं है, रेंजर पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया मरकजी हुकूमत ने। मरकजी हुकूमत उसको कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कुछ हमारी खिदमत भी करो, कि कोई हमारे करप्शन के खिलाफ बात करे, कोई हम जो कौमी असासे बेचते हैं इसकी मुखालफत करे या कुछ और करे तो उसको भी झुका दो। असल इख्तलाफ इस जगह पे है, MQM भी चीख चीख के कह रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मान भी लिया था कि इसके लिए कैसे कमेटी है जो इस पर नजर रखे कि कौन सा चीज इस इख्तियार के अंदर हो रही है, जिस काम के लिए हमने ऑपरेशन शुरू किया था अभी तक वो कमेटी नहीं बनी। हमारे वक्तन तहफुजात आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो जाके सूबे के सियासी जमातों की किसी की कोई तहफुजात है तो उसको बिठा के और वो तहफुजात ख़त्म करें, लेकिन वो तहफुजात खुद ब खुद पैदा तो नहीं हुए हैं, वो तो ऐसे टाइम पे जब मुहतरम नवाज शरीफ साहब पे टप टाइम आ जाता है और उम्मीद बनता है चौधरी निसार साहब का कि मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, तो वो अपोजिशन पर एक चढ़ाई करते हैं, गाली गलोच, लोगों को पकड़ दकड़, ऐसे बेसरों पाया बयानात जिसका न कोई ज़रूरत होता है, गैर जरूरी बयानात, गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, वहां से रेंजर को गैर जरूरी ताखीर होती है, फिर पीछे से रेंजर को भी गैर जरूरी नहीं होती है, हर एक को यही तहफुजात है कि हम उसको इख्तियारात दे दें, लेकिन वही इख्तियारात जिस काम के लिए हमने बुलाया। दूसरी बात ये कि तो अगर वो इंटीरियर सिंध में काम करेंगे रेंजर्स तो वो इख्तियारात की नफी होगी, वायलेशन हो जाएगी। जिस तरीके से हमने कराची में जरूरत महसूस की रेंजर को हमने बुला लिया, अगर हम सिंध में भी जरूरत महसूस करें तो उसको बुला लेंगे, लेकिन मैं एक बात करता हूं, अब मुझे ये बताएं
ضرب اعظم کا اعلان ہوا, آج سارے جو کمانڈر ہے اسٹیشن کمانڈر, پہلے ان کے رپورٹس یہ ہوتے تھے ہمارے دور میں کہ جب تک وزیرستان میں آپریشن نہیں ہوگا وہاں ان کے مراکز ہیں, ان کو ختم آپ نہیں کریں گے, آپ کچھ بھی کریں ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. اب وزیرستان آپریشن کے بعد جو اسٹیشن کمانڈر ہے ان کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک پنجاب میں آپریشن نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو مراکز ہیں, جو بین تنظیمیں ہیں, وہ پنجاب میں دندنا کی پھر رہے ہیں, وہاں پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کراچی سے بندہ ہوا وہ کہ کہاں جاتا ہے, اس کا دوسرا ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے, اب مجھے یہ بتائیں. جتنی لوگ پکڑے گئے کہاں سے پکڑے گئے, وہاں واردات کر کے ادھر آ کے اس کے لیے یہ سیف زمینیں کراچی میں تو پکڑے جاتے ہیں. کراچی میں کتنے لوگ پکڑے گئے, جتنے بڑے بڑے کیس ہوئی ان کے سارے ملزمان پکڑے گئے, لیکن جب وہ بارڈر کراس کرتے پنجاب کے اندر آ جاتے تو پنجاب میں شہباز شریف کا بیان اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا اور آپ کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ دوسرے صوبوں میں کریں, آپ پنجاب میں کیوں کاروائی کر رہے ہیں؟ آپ پنجاب میں نہ نیب ہاتھ ڈال سکتے ہیں, نیب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ایک ایم این اے سے لے کر ایک ورکر سے لے کر اسپیکر تک سارا چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجال ہے نیب کا کس طرف آ جائیں, مجال ہے رینجر کا کہ وہ پنجاب میں آپریشن کرے. تو سن میں تو جب ضرورت محسوس ہوا ہم نے پہلے ہم نے وزیرستان میں باجوڑ میں ایک وزیرستان کو چھوڑ کے وہاں پہ نارتھ ساؤتھ ہے, یہ جتنے سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا کس نے واپس لگایا, ریٹ آف دی گورنمنٹ کس نے قائم کیا؟ دیکھیں چٹان صاحب, یہ مختلف آپریشن اور ہمارے دور میں لیاری میں آپریشن ہوا ہے. بالکل بات کریں کہ پنجاب کے اندر آپ آپریشن شروع کیجئے, لیکن یہ آپ کا ڈیفنس نہیں ہے. میں ڈیفنس نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اس کے اوپر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ ضرور کریں, آپ کی ذمہ داری ہے آپ سیاسی کراچی میں, لیکن یہ آپ کا آرگیومنٹ نہیں بنتا. اگر کراچی میں آپ آرگیومنٹ کیجئے کہ جناب عالی ہماری حکومت ہے وہاں پہ, ہم نے ووٹ لیے ہیں وہاں پہ, ہمارا اختیار ہے وہاں پہ, ہم جب مناسب سمجھیں گے جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے. وہاں پہ امن آ جاتے ہیں تو اس کو کیا, کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا. تو پھر ایسا تاثر کیوں ہے کہ آپ روڑے اٹکا رہے ہیں؟ روڑے ہم اس میں نہیں اٹکا رہے, روڑے تو یہ اٹکا رہے ہیں کہ رینجر سے وہ کام لے رہے ہیں جس کام کے لیے رینجر کو ہم نے نہیں بلایا ہے. وہ کام کیا ہے؟ سیاسی کام لے رہے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو جھکانا, کبھی ان کیمپ پہ چڑھائی کرنا, کبھی پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کرنا. یہ خوبصورت بات کر دی آپ نے, بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. لازمین مجھے یاد آ گئے وہ لمحات جب ایم کیو ایم چیف منسٹر صاحب, پہلے کپتان صاحب جن کو اب ہٹا دیا گیا ہے, ان کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے احتجاج کیا کہ آئین کے آرٹیکل 147 147 میں لکھا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا دائرہ کار ہے, وفاقی حکومت کو سے مشاورت ضرور کریں گے, ان سے بات کریں گے, لیکن اختیار دینا لینا یہ سب صوبائی حکومت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن کچھ جو ماہرین ہیں قانون کے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پوپا جو نیا ایکٹ بنایا پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے ایکٹ کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ اختیارات وفاقی حکومت بھی دی جا سکتی ہے, لیکن معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے. بات ذرا آپ نے سن لی ہماری, ہمیں ذرا بتائیں گے یہ وفاقی حکومت کا اختیار کیسے بن جاتا ہے جب 147 کے انڈر صوبائی حکومت نے کرنا ہے؟ جو جب نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا جی, اس وقت ضرور یہ بات کی گئی تھی کہ پورے ملک کے اندر امن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اس کو پورے کو جو ہے وہ مانیٹر بھی کرے گی اور اس کو چلائے گی, مگر ہم ہمیشہ پروونشل آٹونومی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آج بھی بار بار ہم پروونشل گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو کریں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں کرتے. اگر وہ دیکھیں وہ نہیں سندھ کے اندر جاتا ہے, چوائس صاحب لیگل آپشنز کی بات, کیا آپشنز ہیں ایسے جو آپ ڈراوا دیتے ہیں ان کو؟ آپ گورنر رول لگائیں گے, آپشن بالکل ہیں کہ کس بھی طریقے سے, مگر کون سا آپشن ہے؟ آدمی ایسی ہمیشہ ایگریسو بات نہیں کرے. بات سمپل میں یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, دیے نا, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیں. آخر یہ ان کو ایک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا, کس نے کہا کیوں مہینہ ڈیلے کیا, مہینہ مہینہ ڈیلے کیوں کیا, ابھی بھی 13 دن ڈیلے کیوں کیا؟ وہ تو میں نے بتا دیا نا, آپ ایک دن مجھے کیا آپ جو سیاست ان سے وہاں پہ کروانا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن بھی اگر رینجرز وہاں پہ چل رہی ہے, ایک بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, کل کوئی بندہ کورٹ کے اندر چلا جائے, کورٹ کے اندر چلا جائے, یہ ادارہ وہ رینجرز کا ادارہ جو اس ملک کو امن دے رہا ہے, کراچی کو امن دے رہا ہے, کل کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی ہو جائے وہ چلا جائے کورٹ کے اندر کہ بھائی اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یار, مگر ایسا کیوں ہو؟ آپ اس کو پروٹیکشن ریٹروسپیکٹیولی بھی دے سکتے ہیں,
पीछे से भी दे सकते हैं, वो कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन असल मामला है कंटिन्यूअस डिले क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? एक चीज जो है वो सामने जाहिर है, तो आप उन पे एतमाद नहीं है, पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं है आपको? वो अगर फैसला करें अपनी मंशा के मुताबिक, अपने टाइमिंग के मुताबिक, जैसे मैंने कहा उनकी हुकूमत है वहां पे, सियासी पार्टी है वो वहां पे, क्यों जो है वो उनको एज दे रहे हैं, क्यों बार बार उनको क्यों एज दे रहे हैं कि आप इसको करें, आप इख्तियार दें, आप इसको मूव करें, हम उनको ही कह रहे हैं, उनको नहीं पता है, हमने इख्तियारात दिए, हमने बुलाया रेंजर को, आपने तो नहीं, आंखें अगर खुली होती तो पांच साल पहले फेडरल गवर्नमेंट थी इनके पास, ये खुद मान रहे ना, चीफ जस्टिस आके लेता, लेकिन आप पंजाब में कब दे रहे हैं ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कह रहे वैसे, आप पंजाब में कब दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10-10 दिन वहां पे आके पूरी कोर्ट चलती थी, इसी कराची बदमनी केस के ऊपर 10-10 दिन कोर्ट चलती थी रोजाना, और एक दिन अगर ऐसा गुजरता था तो वो खुद शुक्राना अदा करते थे, मगर कोई भी, मैं नहीं समझता हूं उस पुराने पांच साल के अंदर ऐसा कोई दिन हो जिस दिन कोई कोई हलाकत, आपने मान लिया इख्तियार इनका है, किसका रेंजर्स को इख्तियार देना इनका, नहीं अच्छा के ऊपर प्रोविंशियल अथॉरिटी के ऊपर हम यकीन रखते हैं, हम आज भी कहते हैं देर आए दुरुस्त दिए, अवाम का प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, आज अगर इनकी हुकूमत सिंध के अंदर अच्छी चलती तो आज कश्मीर में भी जीत जाते, मगर अगर कराची के अगर सिंध के अंदर इनकी बैड गवर्नेंस है तो उसके असरा दूसरी जगह पे पड़ रहे हैं, तो नहीं पता ये बात, पीपल्स पार्टी डजंट नो इट, उनको पता है, तो अब इसी वजह से तो वो तब्दीलियां लेके आ रहे हैं ना, अब इलेक्शन नजदीक है, लाजमी दो साल रह गए, तो इस वजह से वो तब्दीलियों के हवाले से मेरा मौकफ जड़ा बहुत जो है बहुत दूसरा किस्म का है, वो कोई तब्दीली नहीं, चेंज ऑफ फेस इज नो तब्दीली एट ऑल, तब्दीली वो होगी जब अवाम की जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, तर्ज हुकूमत में तब्दीली आएगी, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तब्दीली, वो तब्दीली, ये नहीं, ये चेंज ऑफ फेस तब्दीली हम नहीं मानते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 8 गाड़ियों की जगह 4 कर दी, 10 पिकेटों की जगह 2 कर दी, ये तब्दीली, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि जो पार्टी पॉलिसी होती है जो भी चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये मौजूद नहीं है, आप मुझे साहब थे तभी भी डिले होता था, अभी जो मुराद अली शाह हमसे डिमांड नहीं था, मैं समझता हूं डिमांड नहीं था, फिर भी हमने तब्दीली लाई, लेकिन इनसे तो पूरा कौम को डिमांड है कि पनामा लीक में नवाज शरीफ साहब का नाम है, हाँ उसके अंदर तब्दीली लाए, अब क्यों तब्दीली ला रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, आज पंजाब एक रोल मॉडल है जिसको दिया जाता है, आज मुराद अली शाह जो है थोड़े से एक्टिव हुए, तो क्या कहने में आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज चल रहे कि मुराद अली शाह शहबाज शरीफ बनना चाह रहा है, शहबाज शरीफ में आज वही, आज जमीन पे भी कभी आ जाए, शहबाज शरीफ का नाम है कि उसकी गलियों में बारिशों में जाए, किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है, वहां के हॉस्पिटल स्कूल देख ले, सारा शाही सैयद साहब फेसबुक पे, शाही सैयद साहब आपके, आपको शाही सैयद साहब की तरह आपको अपनी गलती माननी चाहिए, आज अगर शाही सैयद साहब कह रहे हैं, शाही सैयद साहब तभी भी कहते थे जब हुकूमत में, तभी भी कहते थे कि यहाँ पे ऑपरेशन करो, ठीक है, ऑपरेशन करो, शाही सैयद साहब इख्तियार के हवाले से पहले हम बात कर रहे हैं, ये पानामा वनामा पे भी आपसे पूछेंगे, लेकिन वो जिमनी सवाल है, हमें ये बता दीजिए ये इख्तियार अगर सिंध हुकूमत का है, आप सब लोग माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, आपको पता है कानून के अमलदारी क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, जी शाही सईद साहब, स्पेशल दो तीन चीजें, एक तो ये कि जाहिर है भाई आईनी तौर पे ये सुबह जब डिमांड करेगा तो वफाक जाके उसको बंदे अपना वो फोर्स जो भी मांगेगा वो देगा, ये आईनी मसला है, और सुबह डिमांड करता है वफाक उसको हेल्प करता है, ये अच्छे हालात की बात है, और जब हालात खराब होते हैं तो फिर वही आईन में एक और 245 आ जाता है और गवर्नर राज भी लग जाता है और वो असेंबली भी डिजॉल्व हो जाती है, और आईन में हमारा माशाल्लाह काफी आगे पीछे है, वो सबको पढ़ा करो, एक जगह पे नहीं रुके, अगर नामो अगर मुकम्मल बन दूसरी बात तो मुमकिन भी नहीं है, मगर आपने तो फिर भी लगाया, जी शाही सैयद साहब बताना चाहता हूँ, दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, माजरत के साथ देखो एक दहशतगर्दी इस मुल्क में है और एक करप्शन, दो नासूर है, इन दोनों नासूरों में हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग भी और ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व है, शरीक है, वो कर रहा है मेरे, और मैं साबित भी कर सकता हूँ पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो, और ब्यूरोक्रेसी में भी वो लोग हैं जो पानी की टंकियों में से करोड़ों रुपए निकल रहा है, लिहाजा इन दोनों को जब भी आप रोकोगे वो लोग इफ अगर मगर मिलाएंगे कि मेरे से क्यों करे, पहले खैबर पख्तूनख्वा में करो,
या पहले मेरे वाले पार्टी वाले क्यों पकड़ रहे, पहले फलानी पार्टी का पकड़ो। अगर पंजाब में गंदगी है तो होने दो। ये क्या रीजन है कि मेरे घर इसलिए अपना साफ नहीं करता हूँ कि पड़ोस वाले के घर गंदा है, मैं घर साफ नहीं करता हूँ। खुदा करे पंजाब वाले करे तो करे, करे नहीं, सारी उम्र गंद रहे। मुझे अपना खेब सिंध सुबह साफ चाहिए। नहीं नहीं शाही से सब ये जो रीजन ढूंढते हैं, ये जो बहाने ढूंढते हैं कि पहले उसको पकड़े, पहले बाद में मुझे पकड़े, ये बहाने ये वो लोग कर रहे हैं जो कि इस दोनों जुर्मों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन शाही सईद साहब, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी वालों को यह कहूं कि आप पंजाब के अंदर ऑपरेशन मत डिमांड कीजिए, जब कल अदम तंजीमों की वो बात करें और ऑपरेशन की बात करें मैं उनको कहूं कि आप खामोश हो जाएं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब आप ये बात जरूर कीजिए, लेकिन अपनी भी तो जस्टिफिकेशन दीजिए। ये वो कब कह रहे हैं कि पानामा लीक्स के ऊपर वो वजीर आजम बैठे हुए हैं, वो मैं जरा शाही सईद से सवाल पूछता हूं जी, ये लाहौर के जो बच्चे हुआ वो है, क्या ये हमारे मुल्क के बच्चे नहीं है? पंजाब में एक जगह क्या वो हमारा मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है? इसके लिए हम आवाज नहीं उठाए, इसके लिए हम हुकूमत पे जोर नहीं डाले? आज का वाकया है कि एक बच्चा जो बरामद हुआ, अब पुलिस इसके घर वालों को मार रही है कि बच्चे से बयान दिलवा दो कि मैं खुद गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। वहां पे जितने अगवाकार है, जितने बेन तंजीमें हैं, कसूर का वाकया देख लो, एक एक वाकया उठा के देख लो, इसके पीछे क्या ये मुस्लिम लीग नून के एमपी है और एमएनए और इसकी कियादत इनके पीछे नहीं है। अच्छा, हम इसके लिए डिमांड नहीं करें कि इन लोगों को निजात दे रहा लोगों से। जी शाही सईद साहब, यार मेरे चट्टान को बोलो कि अपने नंबर का इंतजार करो ना। जी जी बोलिए। बिल्कुल आप कह सकते हो, हम तो नहीं कह सकते। बात ऐसा करते हैं कि फिर बर्दाश्त नहीं, पकड़ो कोई कह सकता। चट्टान की हर बात की तायीद करता हूँ, ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल सही कहता है, पंजाब में बहुत गंदे है, बच्चे भी अगवा हो रहे हैं। लेकिन कल आपको इतला भी दे रहा हूँ कि कल पंजाब में 7 दहशतगर्द मारे गए थे, कल भी परसों खबर आई है। तो अगर किसी को पता हो या नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, ये गलत में भी नहीं रहो। अच्छा, पंजाब में भी ये चीज़ नहीं बोलना है बताए कि पंजाब में करे ना करे, मेरा सिंध मुझे साफ करे, मुझे कराची में अमन चाहिए। पकड़ा गया है या मारा गया है? जी शाही सईद साहब, आप चाहेंगे रिस्पॉन्ड करना इसे? बिल्कुल, कल परसों अखबार आप देख रहे, 7 दशक में गुजरांवाला कहीं पे पकड़े थे और उनका जो है तंजीम से वास्ता रब्ता था। अच्छा साहब, बैंक तंजीमों के जो सरबराह है वो आप भी इनके नाम जानते हैं, मैं भी इनका नाम जानता हूँ, आपको भी पता है कि इनके मराकज इनके ठिकाने पंजाब में, मुझे एक सरबराह का नाम बताइए जो पकड़ा गया है या मारा गया है, एक बताइए। अगर ऐसी चीज थी तो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट थी तो आपने उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी? आप भी पंजाब के अंदर उस वक्त भी कर सकते थे, ये बातें करना छोड़ें। शाही वो दूसरी आप दूसरी मुफामत कर रहे थे ना उस वक्त, अब वो मुफामत नहीं है। बातों में वजन है कि बिल्कुल पंजाब में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे होना चाहिए, मगर अब जब उनके घर पे हो, सिंध के अंदर हो, तो कहेंगे पहले आप करो फिर हम करें। भाई आप अपने घर की बात करो, कम से कम उधर अमन की बात करो, वहां पे आप बात नहीं करते हो, हमेशा दूसरे का इशू उठा देते हो। इख्तियार का सवाल है, ये इख्तियार का ही सवाल है, जहां इख्तियार का सवाल है वहां अगर दूध की नहरें बह रही हैं बाकी जगहों पर, तो फिर परेशानी क्या है इख्तियार देने में? जब सही काम सारा चल रहा है तो रेंजर्स वहां क्यों जाएगी पकड़ने के लिए? खाली कराची में ही क्यों सब कुछ नजर आ रहा है? दे देना अख्तियार, जब बाकी जगहों पे आप कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, सारा काम सही हो रहा है, तो फिर दे दें अख्तियार। वैसे पंजाब कोई पंजाब, होगा, पंजाब तो, के आप पिछले 5 साल के 10 साल के फिगर्स निकाल के देख लें। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अभी पिछले अखबार में, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते के अखबार में, पंजाब में 400 से ज्यादा खवातीन को जो है सिर्फ जो है वो अना पे कत्ल किया गया, 400 से ज्यादा खवातीन ने खुदकशी की, 400 से ज्यादा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। अभी 700 वो दहशतगर्द नहीं है, आप वो सिस्टम के अंदर है सर, बच्चे जो है वो दहशतगर्द हुई ना, वो सिस्टम को मॉडल टाउन में क्या कहेंगे दहशतगर्द? तो उसकी रिपोर्ट आई, फिर आप सिंध गवर्नमेंट की बात मानने खाली दहशतगर्दी पैदा कर दे, बच्चों के साथ जो कसूर में हुआ, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग छोड़ दें, बच्चों के साथ माली मुआवनत भी छोड़ दें, बच्चों के साथ जो कसूर में हुआ, मैं कहता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। मेरी बात अगर मुकम्मल हो दे, बच्चों के साथ जो कसूर में हुआ सर, उसको किस तरह लेंगे? क्या बच्चों के साथ इस तरह होने देना चाहिए? क्या उसको किसी क्राइम में नहीं लेंगे? क्या वो सब अच्छे वाली बात है? लाहौर के पार्क में हुआ पिछली सर, आप देखें बलूचिस्तान जल रहा है, वहां राके एजेंट भी हैं, वहां सारी चीजें हैं, केपीके जल रहा है, वहां सब कुछ है, दहशतगर्दी सब है,
सिंध जल रहा है, वहां पे भी राके एजेंट निकाल रहे हैं, वो वहां पे भी दहशत गर्द। पंजाब में क्या सब निकाल लिए सिंध में से राके एजेंट? निकल नहीं है राके एजेंट निकल आए हमें तो खाई रहे हैं। कब से कह रहे हैं हमें राके एजेंट? तो आज से थोड़ी कह रहे हैं, हम तो 92 से राके एजेंट बने हैं, फिर भी हुकूमत में, फिर भी आगे दरवाजों पर जो है वो हुकूमत में शामिल करते हैं। ये तो पूरी, अगर अगर रॉ के एजेंट आपके पार्टी के अंदर हो तो पूरी पार्टी बैन हो जानी चाहिए, अदालत में केस जाना चाहिए, उसके ऊपर फैसला आ जाना चाहिए कि आप सियासत ही नहीं कर सकते। हम इस बात को मुसलसल देखें, इस बात को हम कब से प्रूफ करते आ रहे हैं? NA-246 का इलेक्शन हुआ, आपने सारा जोर लगा लिया हर तरह का, लेकिन हमने जीत के दिखाया। अभी बलदियाती इलेक्शन हो गए, 209 काउंसलर हैं कराची में सिर्फ MQM के, ठीक है। तो क्या ये राखी एजेंट है? ये दहशतगर्द लोग वोट दे रहे हैं? ये कौन लोग वोट दे रहे हैं MQM को? अगर हम ये बात मुसलसल साबित कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एक बात जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा कि कराची के हालात वो MQM के हाथ से भी निकल गए तो उन्होंने आवाज लगाई अब फौज को बुला ले, पीपल्स पार्टी के हाथ से भी निकल गए, लेकिन पीपल्स पार्टी मुतमईन थी कि निकलते हैं तो निकलते रहे, हमारे साथ भी होता रहे, शाही सैयद साहब भी देखते रहे, लेकिन उनको तकलीफ थी कि मेरे वर्कर्स मारे जा रहे हैं। मैं तो चट्टान साहब अगर आपके पास इख्तियार है तो फिर आप वफाक की क्यों सुनते हैं? हम तो विफाक के भी इख्तियार है क्योंकि ये विफाक ही उनका भी इख्तियार है, ये विफाक के इदारे है ना। नहीं, वो आप कहेंगे तो वो देंगे ना। देखिए जी, ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये सिर्फ सूबे के वो नहीं चल रहा है, ये विफाक और सूबे दोनों मिलके चला रहे हैं, और जिसका कप्तान को बनाया गया था भराइनाम वजीर आला को, और फिर वो वजीर आला कार्रवाइयां होते थे, वो वजीर आला से कोई नहीं पूछता था। एक लफ्ज आपने सही कहा, बराए नाम वजीर आला, नहीं वो और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप उनकी बात को दे बोले नहीं, इसीलिए तो तब्दीली आई है जो आपके जहन में आया। आप बराए नाम वजीर आला सही कहा आपने। तो फिर जो मामलात शुरू हो गए फिर उसको सूबाई हुकूमत पे एक साइड पे कर दिया। अगर ये अपना किरदार अदा करते, मरकज किरदार अदा करते, किसी का कोई तहफुजात पैदा नहीं होते। हमारे वो किरदार क्या होता? वो पुल का किरदार होता। अगर MQM के कोई तहफुजात है तो इसको बिठाते रेंजर के साथ, सूबे के साथ, और उनके तहफुजात को दूर। वजीर आला का काम था ना, कप्तान का काम था, कप्तान का काम था। कप्तान तो मैंने आपको कह दिया कि कप्तान तो नाम मुराद अली शाह साहब वो वाले वजीर आला नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि मरकज फिर इस तरह के गलतियां करे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कराची के अमन के लिए, मुल्क के अमन के लिए दुरुस्त नहीं है। रेंजर जिस काम के लिए आए हैं इनसे वो काम लिया जाए जो वहाँ पे दहशतगर्दी, बदमनी, बतखूरी, टारगेट किलिंग, इन चीज़ों का खात्मा है। ये इससे ऊपर के जो काम ये लेते हैं कि कभी सेक्रेटरी को पकड़ो, नहीं तो इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जाएंगे। इंटीरियर सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो हालात है इनमें सबसे बेहतरीन हालात है इंटीरियर सिंध के, और अगर इंटीरियर सिंध की भी हालात ख़राब हो गई तो हमने जिस तरह के कराची में इख्तियार दिए इस तरह हम वहाँ भी इख्तियार दे देंगे, लेकिन फिलहाल जो ख़राब हालात है, खराब हालात ये इस तरह का नहीं है कि वहाँ पे मतलब धमाके हो रही है, ये हो रहे हैं। जहाँ पे मराकज है, जहाँ पे माइंडसेट बैठा हुआ है, जहाँ पे पूरी मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आजकल वो पंजाब है, और जब तक पंजाब का पेहाद नहीं डाला जाएगा। फजलुर रहमान का एक सेनेटर मारे गया सिंध के अंदर, इतना ना आप उसको पंजाब को गढ़ बनाएं कि पूरी दुनिया की लाड़काना के अंदर ठीक है, हम मानते हैं कल लगन तंजीमों के वहां पे हेडक्वार्टर्स भी गोट की और मीरपुर माथुला में हमारी कम्युनिटी बाहर नहीं निकल सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन है दाइश? मुझे नहीं आज तक पता, मुझे बता दीजिए, दुश्मन है या सारी दुनिया की दुश्मन है? मुझे तो लगता है सारी अलकायदा सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है या पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी कर रही है? तो अगर ये लोग पंजाब में है तो फिर तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और दंदनाती फिर रहे हैं, अपनी स्पीचेस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप के साथ इनसे इनके इनके तस्वीर आ रही हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या ढकी छुपी बात है? मैं आपको क्या बताऊं, सिटिंग एमएनए जो पहले जो मियां मिट्ठू थे, जो पीपुल्स पार्टी के सिटिंग एमएनए, हमारी वो जो लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते थे। अभी मैं 5 दिन पहले 26 जुलाई की आपको बात बताऊंगी। 26 जुलाई को एक लड़का अमरलाल जो 5 साल पहले इनके पास कन्वर्ट हुए, 5 साल पहले भरचुंडी में कन्वर्ट हुआ है, वो 5 साल पहले वो रहता ही मस्जिद में था। पता नहीं क्या हुआ है वहां पे मस्जिद में, क्या नहीं हुआ है हमें नहीं पता, मगर उन्होंने कहा कि इसने जो है वो कुरान शरीफ के पेपर फाड़े हैं। अच्छा, आप अखिलियतों का नुमाइंदा है, आपने आवाज उठाया था,
आपने एक दिन बाइकॉट किया था सिंध में, अभी तक आबादी ऊपर हमला हुआ मगर कोई पंजाब में पूरे कि वो ठीक कर रहे हैं उस मामले को देखें। अगर आप रेंजर्स के इख्तियारात की हम बात कर रहे हैं इंटीरियर सिंध के अंदर दे दें, पंजाब के अंदर भी दे दें, उनकी बात भी मान लें, खत्म करेंगे आर्गुमेंट, इनका आर्गुमेंट खत्म कर दे। अच्छा मुझे अच्छा पंजाब के अंदर ऑपरेशन चला है वो हाईलाइट क्यों नहीं होता है छोटू गैंग वाला, क्योंकि वहां पे बड़ी वहां पे रुकावटी है, वहां पे रुकावटी है, हरेक के लिए बड़ी बड़ी मसाला छोटू गैंग की अंदरूनी कहानी आप सुन रहे हैं, हुआ है 6-7 लोग मारे गए गैंग वाली तो कहानी बहुत आगे ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे कोई रुकावटी नहीं जाएगी। अच्छा पुलिस था, अब सिर्फ वो शाबाश शरीफ साहब के जाती मुलाजिम बन गए हैं, सिर्फ शाबाश शरीफ के अपोजिशन के मेंबरों से पूछे जो इलेक्शन है वहां से लड़ते हैं, इनकी जिंदगी को अजीर्ण कर दिया है, रोज इन पे पर्चे कटते हैं, और मॉडल टाउन में जो किया नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे, शाबाज शरीफ साहब के हुक्म पे, वो तो सारी दुनिया के सामने हमें, लेकिन छोटू गैंग के पास आप इस तरह के वाकयात की जिक्र करते हैं, आप चट्टान साहब इस तरह के वाकयात का जिक्र करते हैं, हमें तकलीफ होती है। उस वक्त हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन मुस्लिम लीग नून का जो है वो किस्मत ये है कि मैं इस बात पे सिंध नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में बात करूंगा कि जो पुराने सिस्टम चले हैं उसके अंदर पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट जो रिक्रूटमेंट में इतनी रही है कि पुलिस के अंदर लोग एल थे नहीं थे, पूरे मुल्क के अंदर ऐसे पुलिस के अंदर काफ़ी जो है वो लोग जो है ना भर्तियां हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस को जिस तरीके से पंजाब शामिल है ना उसमें सारे शामिल है, मगर सिंध टॉप पे है, उसकी वजह ये है कि सिंध के अंदर वो सबसे बड़ा सूबा है 70% पाकिस्तान। अब देखें मैं एक जब मैं सच भी बोलता हूं फिर भी चट्टान साहब को बर्दाश्त नहीं होता, वो देख लें उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर मैं कहता हूं पंजाब बड़ा सूबा है तो सबसे ज्यादा फिर पंजाब जुड़ वाला था। अब मैं जब अब इनकी दिल की बात करता हूँ फिर भी इनको मजा नहीं आता है तो फिर मैं चुप नहीं आता है, लेकिन नहीं आपके तो कहे एमक्यूएम वाले कहते हैं थाने बिकते हैं, बात यह है कि ऑन रिकॉर्ड है ये, अभी अभी मेरी बात सुने, बात यह है कि सिंपल में जो रिक्रूटमेंट हुई उसमें पुलिस काफी जो है वो एक ऐसी जो एक होनी चाहिए ना वो नहीं थी। अब सिंध के अंदर उसका इफेक्ट ज्यादा क्यों पड़ा, क्योंकि सिंध के अंदर जब उनकी अपॉइंटमेंट इस वक्त होती है तो वो अच्छे ऑफिसर सिंध के अंदर बहुत है मगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है, एमपी चाहता है कि मेरे इलाके में एसएचओ एसपी अपना डीएसपी सारे हमारे हो, पंजाब में ये सिस्टम पंजाब के अंदर मेरिट पे काम होता है, उसकी वजह से पंजाब के अंदर फिर भी पुलिस पंजाब में मेरिट पे काम होता है, फिर भी पुलिस जो है वो बेहतर काम कर रही है, ये किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ब्लैक ऑरेंज ब्लू की, आप सिंध के अब सिंध के अंदर इतनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से एक तो पुलिस के अंदर नाकामियां हैं, पुलिस के अंदर खराब हड्डियां हैं सब सूबों में, मगर अच्छी हड्डियां निकाल के और सही जगह पे लगाए वो हम नहीं काम करें। सिंध के अंदर इतने ब्रिलियंट ऑफिसर जैसे अभी आईजी आया एडी ख्वाजा साहब, काफी उसके अंदर बेहतरी आई है, एडी आप केपीके के अंदर दुरानी साहब बैठे ना तो बस करें ना मानना उनसे अच्छे ऑफिसर आ गए उनको कहें बेहतर करें पुलिस को, मगर वो भी कहता है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, हमने शेख सडल साहब ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने कहा कि मुझे इख्तियारात दें मैं ठीक कर देता हूं, कम पुलिस फोर्स के साथ कम रिसोर्सेज के साथ, नंबर देख लें अंडर शोएब सडल, सिंध पुलिस कहती है कि हम रेंजर्स के साथ मिलकर काम करें, अगर एडी ख्वाजा साहब आईजी सिंध वो अगर स्टेटमेंट दे दे कि सिंध के अंदर जो भी हालात हैं इंटीरियर सिंध के हम खुद ही इनको संभालेंगे और आप रेंजर्स को इख्तियार देने की जरूरत नहीं है, उसके वर्डिट की वैल्यू होगी, क्योंकि वो एक ऐसे आने शायद वो नहीं कहेगा। शाही सैयद साहब ये इख्तियारात के ऊपर हम लड़ रहे हैं कि दे दें ना दे दें किसके हैं किसके नहीं है, असल इख्तियार तो पुलिस का है, कुछ आप भी रोशनी डालिए। देखो बुनियादी चीज ये जो है ऑपरेशन या फौज या रेंजर इस मसले का हल नहीं है, मुस्तकिल हल ये है कि हम पुलिस के मोराल को अच्छा करें, क्योंकि पिछले अदवार जाम सादिक के दौर से शुरू है सियासी भर्तियां और ओपन अपॉइंटमेंट लेटर पुलिस में दिए गए ओपन, उसने अपनी मर्जी से, और जब इंक्वायरी हुआ तो 312 लोग मर्डर केसों में इन्वॉल्व थे। दूसरी बात के 92 के ऑपरेशन में 186 पुलिस ऑफिसर इस शहर में चुन चुन के मारा गया, अखबारों की जीनत बन गई, उन मुशवदा के लिए पुलिस के लिए क्या हुआ, पुलिस की मुराल ऐसे नहीं गिरी है, पुलिस से इधर जुलम बर्बरियत हुआ चुन चुन के मारा गया, तो अभी लिहाजा पुलिस की मुराल को बेहतर करना है, अच्छे लोग है, एडी ख्वाजा के पास आईजी का इख्तियार नहीं है,
लेकिन वो जो आम आदमी उस शहर में मारा गया, जो 15,000 से जायद लोग जो उस ऑपरेशन से आज तक मारे गए, और एक खुद जो है उस ऑपरेशन करने वाला एक ब्रिगेडियर आके कहता है कि जी वो जिनापुर का कोई नक्शा नहीं था, कोई अकूबत खाने नहीं थे, मुझे ये बताएं 17 साल तक जो शहर में जुल्म होता रहा उसका जिम्मेदार कौन है, किसका कोर्ट मार्शल हुआ, किसके झूठ को पकड़ा गया। सर ये बातें करना आसान है कैसा है, यहाँ हजारों लोग जो आम आदमी मारा गया उसको कौन जवाब देगा, उसके लिए कौन आगे बोलेगा। वो खाली एक वक्फे में तो नहीं मारा गया ना, एक पीरियड में नहीं मारा गया, वो तो अभी भी मारा जा रहा है। आज 4 कत्ल हैं, अब मुझे नहीं पता दोपहर की खबर थी अब तक कितने कत्ल हो चुके हैं। सर के इख्तियार दिया जाए, इख्तियार दिया जाए कानून के दायरे में, जिनको इख्तियार दिया जा रहा है उस कानून के दायरे में काम करें और पूरे पाकिस्तान में इख्तियार दिया जाए, खाली ये सिंध की बात नहीं कर रहा। देने की जरूरत नहीं है, इख्तियार ऑलरेडी हमने दिया है। इख्तियार देते हैं आईन और दस्तूर, आईन और दस्तूर में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और आवाम के दरमियान, इसमें हर एक इख्तियार का तयन है कि सुबह के पास क्या इख्तियार है, मरकज के पास क्या है, ये पुलिस का इख्तियार है, उनको वापस दे दें, वो भी आईन के तहत कानून के तहत। झगड़ा तब बन जाता है जो कोई उठ के इसके पास जो आईन में दस्तूर में इख्तियारात नहीं है इससे ज्यादा इख्तियारात लेने का या इन कामों में हाथ डालते हैं जो आईन वो ज्यादा इख्तियार क्या है। माली मुआवनत के हवाले से बात कर रहे हैं आप, तो बड़े लोगों के ऊपर हाथ डलेगा तो आप कहते हैं कि ये इख्तियार नहीं देते हम क्यों। अगर कोई सियासतदान पुष्ट पनाही कर रहा है, पैसे दे रहा है, आप कहें पकड़े इसको। मैं आपको एक बात बताऊं, पेमरा एक इदारा है, टीवी के चीजों को देखना, अगर आपका टीवी एक गलत खबर भी चलाए और यहाँ पे पुलिस का एक बंदा आ जाए और आपको पकड़ेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं कि आपको ये इख्तियार किसने दिया है, काम तो आपने गलत किया है, लेकिन जो गलत काम करे इसके लिए अपने इदारे हैं, वो इस पे हाथ डाले। हर इदारे को ये हक हासिल नहीं है। उनको जब आजाद नहीं रखेंगे आज हमसे लोग कहते हैं कि आप पैसे देंगे तो आपका टीवी चैनल अच्छे डलवाए ना पैमरा वाले ऊपर और दूसरे इदारों के ऊपर जब मनशा से 20 मिनट इंतजार करवाया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कैसे कैसे दम किया दी। जी 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 आप कैसे कैसे ममता अली बात सुन फैसल, ममता अली शाह चेयरमैन इससे ज्यादा कोई ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर नहीं है। पूछो क्यों हटाया, अभी उसको लगाया था मुश्किल से क्यों हटाया। मैं ये कहता हूं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द डिसाइड करेगा कि मुझे कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, करप्शन करने वाला डिसाइड करेगा कि मुझे प्लान अफसर ना पकड़े मुझे प्लान ना पकड़े। वाह वाह, ये कानून पास करे, ये कानून पास करे, ये ऐसा कानून पास मेरा ख्याल अब उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कर दी है। नहीं होने देंगे शाही सैयद साहब से, नहीं होने रिया मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराई में इस मुल्क को सही सुमत में लेके जाएंगे और कमीशन बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे और जो पनामा लीक्स की आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत करेंगे, मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत करेंगे, मुल्क को पावर देंगे, मुल्क को मजबूत करेंगे और मुल्क के अंदर हमारे मुल्क के इदारों के अपने इख्तियारात उन्हीं को दे दें तो बहुत बेहतर है। ये पुलिस के इख्तियार है जिसके ऊपर आज हम झगड़ रहे हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आई हुई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।